हेलो एंड वेलकम टू एमएम ला क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर सिक्स। जो चैप्टर सिक्स है, ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो सरकार के विरुद्ध अपराध है, उनका ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में सेक्शन 124A, 124A को आज हम डिस्कस करेंगे, जो है सेडिशन के बारे में। सेडिशन के बारे में ये सेक्शन बताता है, और इसको हिंदी में कहते हैं राजद्रोह। राजद्रोह ये सेक्शन जोड़ी गई थी 1870 में। 1870 में ये सेक्शन जोड़ी गई थी, यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद ये सेक्शन जोड़ा गया था आईपीसी में। इस सेक्शन में सेडिशन की डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों दी हुई है। डेफिनेशन भी और पनिशमेंट भी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन कहाँ है राजद्रोह की 124A में, या पनिशमेंट कहाँ है राजद्रोह की वो 124A में। और दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, राजद्रोह को समझते हैं। सेडिशन क्या है? यदि कोई व्यक्ति शब्दों के द्वारा, ठीक है, शब्दों के द्वारा बोलकर, स्पोकन या बाई रिटिन, लिखकर, लिखित में या बोलकर शब्दों के द्वारा, ठीक है, या संकेतों के द्वारा, यानी साइन के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, या तीसरी चीज क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को विजुअलाइजेशन के द्वारा, तो इनके द्वारा सरकार के विरुद्ध घृणा, ठीक है, या तो घृणा या अवमानना। अवमान किसे कहते हैं? कंटेप्ट को। अवमानना, घृणा या अवमानना प्रकट करेगा या प्रयत्न करेगा, या तो ये करेगा या उसका अटेम्प्ट या प्रयास करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज है इसमें कि ए प्रीति प्रदीप्त, ए प्रीति प्रदीप्त, यानी डिसअफेक्शन को उत्तेजित करेगा, डिस अफेक्शन को उत्तेजित करेगा। एक्सप्लेनेशन वन में बताया गया है कि अप्रीति, डिस अफेक्शन जो है वो क्या है, उसमें दोनों चीजें शामिल है, शत्रुता भी शामिल है और अमित्रता भी शामिल है, अभक्ति भी शामिल है इसमें, अभक्ति भी शामिल है और शत्रुता का भाव, शत्रुता का फीलिंग भी शामिल है, यानी डिसलॉयल्टी, सरकार के प्रति डिसलॉयल्टी भी शामिल है इसी वर्ड में, और शत्रुता की भावना, फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, एनिमिटी, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। दोनों चीजें शामिल है अप्रीति में, उसको उत्तेजित करेगा, ठीक है। तो वर्डों के द्वारा, शाइन के द्वारा या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमान करेगा और या उसका प्रयत्न करेगा, और अप्रीति प्रदीप्त यानी डिसअफेक्शन को जो है उत्तेजित करेगा या उत्तेजित करने का प्रयत्न जो करेगा, वह जो है किस सजा, अब पनिशमेंट की बात होगी। सबसे पहले इन्होंने ये समझा दिया कि सेडक्शन किसे कहेंगे, तो पनिशमेंट क्या होगी, या तो वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की सजा से, या 3 साल तक की सजा के लिए प्लस फाइन, जुर्माने के साथ,
और 3 साल तक की सजा प्लस फाइन जुर्माने के साथ, या जुर्माने से पनिशेबल होगा ये ऑफेंस। तो ये सेक्शन कहती है सेक्शन 124A। तो पनिशमेंट बता दिया इतना होगा, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन काफी महत्वपूर्ण है सेक्शन को पूरी तरह समझने के लिए। इस सेक्शन को पूरी तरह समझने के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं कि अप्रीति में दोनों चीजें शामिल हैं, सरकार के प्रति घृणा भी शामिल है और सरकार के जो है उसमें शत्रुता की भावना भी शामिल है, दोनों ही शामिल है। दूसरी चीज ये बताती है एक्सप्लेनेशन टू, ये कहता है एक्सप्लेनेशन जो टू है वो बताता है कि घृणा घृणा अवमानना या इनके इनका प्रयत्न या अप्रीति प्रदीप्त यानी कि अप्रीति जो उत्तेजित करेगा वो, या उसका प्रयत्न ठीक है वो यदि करता है सरकार के विरुद्ध विधिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करते हुए, विधिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करते हुए यदि कोई सरकार को में परिवर्तन चाहता है ठीक है, में परिवर्तन चाहता है इन चीजों को करता है लेकिन विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन चाहता है और उसमें कोई कमेंट वो करता है इन चीजों के रिगार्डिंग परिवर्तन करने में और कमेंट करता है तो वह जो है राजद्रोह नहीं माना जाएगा ठीक है। जैसे न्यूज हम रोज देखते हैं या पेपर्स पढ़ते हैं या कोई कवि कवि सम्मेलन में काफी कमेंट किए जाते हैं जो भारत सरकार है उसके प्रति, या कोई परिवर्तन की भाई यहाँ विकास नहीं हुआ, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस तरह की बातें। तो यदि विधिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करते हुए ये चीजें परिवर्तन के कराने के दृष्टि से करी जाएगी तो वो राजद्रोह नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो थ्री है, एक्सप्लेनेशन थ्री में ये है कि यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है सरकार का, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कार्य है सरकार का या अन्य कोई एक्शन है सरकार का और उसमें उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई कमेंट करता है तो वह भी राजद्रोह सेडिशन नहीं माना जाएगा। समझते हैं किस तरह एग्जाम्पल से कि कौन कौन से अपराध सेडिशन माने जाएंगे और कौन कौन से नहीं माने जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेक्शन न तो संपत्ति न तो प्रॉपर्टी और न ही शरीर के विरुद्ध, न ही शरीर के विरुद्ध, ना तो संपत्ति के विरुद्ध ना ही शरीर के विरुद्ध कोई अपराध गठित करती है ठीक है। पहली तो बात ये होगी, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अपराध ऐसा है जो न तो संपत्ति के विरुद्ध है और न ही शरीर के विरुद्ध है। तो राजद्रोह सेडिशन ऐसा अपराध है या सेक्शन 124A में ये अपराध है जो न तो शरीर के विरुद्ध है न ही संपत्ति के विरुद्ध है ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन से अपराध होंगे कौन से नहीं होंगे राजद्रोह के। सरकार की आलोचना या कठोर आलोचना करना सेडिशन नहीं है, राजद्रोह नहीं माना गया है ठीक है। केदारनाथ वर्सेज बिहार, केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, AIR में ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि सरकार की कठोर आलोचना करना ही राजद्रोह नहीं कहलाता है। और इसी सेक्शन इसी केस में जो है यह बताया गया था कि जो सेडिशन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका जो है उल्लंघन नहीं करता, वोयलेशन नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता है ये
इस फ्रीडम ऑफ स्पीच जो 19(1)A में दी गई है उसका जो है ये अतिक्रमण नहीं करता। इसी केस में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बात कही गई थी दोनों ही, ठीक है। तो पहली तो चीज ये होगी कि अगर कोई क्वेश्चन आए कि सरकार की कठोर आलोचना करना क्या राजद्रोह है, तो नहीं है, ठीक है। केस कौन सा था? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और क्या ये वोलेशन है, अतिक्रमण है फ्रीडम ऑफ स्पीच का? नहीं है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बता दिया गया था, ठीक है। यदि कोई सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, नीतियों की आलोचना करता है, तो वह राजद्रोह नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब राजद्रोह माना कौन सा जाएगा ये बात करते हैं। जैसे राजद्रोह किसको माना जाएगा, सेडिशन किसको माना जाएगा? जैसे पहले कुछ समय पहले खालिस्तान की मांग चली थी, खालिस्तान कुछ आतंकवादी जो थे उसने खालिस्तान की मांग की थी और उन्होंने एक स्लोगन बनाया था कि अलग खालिस्तान, कुछ ऐसा। मान लीजिए कोई स्लोगन बनाते हैं या खालिस्तान की मांग करते हैं या किसी भी स्टेट की मांग करते हैं कहीं भी, जैसे कोई भी भाषा आधार पर ये कहने लगे कि भाई हम तो अपना अलग ही देश बनाएंगे इंडिया से हटा के, तो इस तरह की चीजें राजद्रोह मानी जाएगी, ठीक है। इस तरह की चीजें मानी जाएगी। या कोई सपोर्ट करता है नक्सलवाद को, अलगाववाद को सपोर्ट करता है, तो उसे भी सेडिशन माना जाएगा, ठीक है, उसे भी सेडिशन माना जाएगा। तो क्या सेडिशन नहीं होगा, क्या सेडिशन होगा, ये आप समझ गए होंगे। जैसे कोई स्टेट है या स्टेट का कोई हिस्सा है, भारत का कोई भी हिस्सा है, वह अलग देश की कोई मिलकर कोई संगठन अलग देश की मांग करने लगे या अपना अलग झंडे की मांग करने लगे, तो उस तरह की चीजें जो है वो सेडिशन मानी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूरी से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।